बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। आई एम समरा रशीद, योर साइंस टीचर हियर इन BFC नुशैर अफरोज। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास। डियर स्टूडेंट्स, एज वी स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर अबाउट प्लास्टिक, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडीइंग अबाउट ग्लास। डियर स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज ग्लास। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज ग्लास? बेटा, ग्लास किसे कहते हैं? ग्लास इज आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ग्लास क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल किसे कहते हैं? जिसमें से लाइट पास हो जाती है। ओके, जिसमें से लाइट पास हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो ग्लास क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ओके, जैसे कि मैंने आपको कल प्लास्टिक बैग्स बताए थे, प्लास्टिक बैग भी क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। प्लास्टिक बोटल्स क्या हैं? ये भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ओके, कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें से लाइट पास हो जाती है, और कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें से लाइट पास नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ग्लास इज मेड बाय मेल्टिंग सैंड। बेटा, ग्लास जो है वो कैसे बनता है? ग्लास जो है, जब हम सैंड को मेल्ट करते हैं तो वो सैंड किसकी फॉर्म में आ जाती है? ग्लास की फॉर्म में। ओके, ग्लास इज मेड बाय मेल्टिंग सैंड। ग्लास जो है वो किससे बनता है? जब हम रेत को पिघलाते हैं तो सैंड जो है वो किसकी फॉर्म में बन जाती है? ग्लास की फॉर्म है। इट इज़ नॉर्मली ट्रांसपेरेंट एंड कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप्स। ग्लास जो होता है वो नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है और उसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। ओके, ग्लास जो होता है बेटा, उसकी क्या होती हैं? डिफरेंट शेप्स होती हैं। कुछ ग्लासेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। थिक ग्लास कैन बी स्ट्रॉन्ग बट थिन ग्लास विल ब्रेक वेरी इजीली। थिक ग्लास जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो थिन ग्लास होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, और हम उसे वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे हाथ से कोई थिन चीज़, ग्लास की कोई थिन चीज़ गिर जाती है तो वो इजीली टूट जाती है। अगर ग्लास थिक होगा तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और जो ग्लास होता है उसकी डिफरेंट शेप होती है और डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है। ओके, उसकी डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट साइज़ होते हैं, और वो डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं। जैसे कि आप इस ग्लास को देखें, ये ग्लास जो है, दिस टू ग्लासेस आर डिफरेंट। ये दो ग्लासेस बेटा क्या है? एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी अनदर ग्लास। बेटा, ये आप दूसरा ग्लास देख रहे हैं, ये भी क्या है? डिफरेंट है। हर ग्लास जो होता है उसकी शेप डिफरेंट होती है और उसके साइजेस भी डिफरेंट होते हैं। कुछ ग्लासेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बट कुछ ग्लासेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा वीक होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ग्लास इज मोस्टली यूज फॉर ऑब्जेक्ट एंड नीड टू बी ट्रांसपेरेंट सच एज विंडोज एंड स्पेक्ट्रेलर्स। स्टूडेंट, ग्लास जो होते हैं वो मोस्टली जब भी यूज़ होते हैं उन चीज़ों में यूज़ होते हैं जिनको ट्रांसपेरेंट की ज़रूरत होती है, यानी कि जिनमें से लाइट पास हो सकती है। हम उन्हीं चीज़ों में ग्लास यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि विंडो है, लुक एट द पिक्चर। जैसे कि इस विंडो में भी क्या यूज़ हुआ हुआ है? ग्लास यूज़ हुआ हुआ है। ओके, और स्पेक्ट्रेलर्स किसे कहते हैं बेटा? इस ग्लासेस को। ओके, ये जो ग्लासेस हैं इसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रेलर्स। और इसमें से भी लाइट पास होती है, इसलिए ये भी क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ओके स्टूडेंट्स, ग्लास कैन बी रिसाइकल। इट इज़ मोर डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू रिसाइकल प्लास्टिक। इट इज़ बेटर फॉर द एनवायरमेंट टू यूज़ लेस प्लास्टिक। बेटा, ग्लास जो है वो भी रिसाइकल किया जा सकता है, बट ग्लास जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है रिसाइकल करना, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। जैसे कि हमारे घरों में बहुत से ग्लास टूट जाते हैं, तो ये जो ग्लास टूट जाते हैं ये सभी ग्लास क्या बनते हैं? इनको रिसाइकिल किया जाता है। बेटा, इनको रिसाइकिल कैसे किया जाता है? इनको
बहुत सी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो ग्लास को रिसाइकलिंग करती हैं। वो कैसे रिसाइकलिंग करती हैं? सबसे पहले इस ग्लास को मेल्ट करती हैं और दोबारा से उसको कोई दूसरी शेप दे देती हैं। और ग्लास जो है वो ओनली सैंड से ही नहीं बनता, ग्लास के अंदर सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड भी यूज़ होता है। सैंड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और बहुत से दूसरे केमिकल्स मिलकर इस ग्लास को बनाते हैं बेटा। और इस ग्लास को रिसाइकिल कैसे किया जाता है? कंपनीज जो होती हैं वो इस ग्लास को मेल्ट करके न्यू ग्लास बनाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू योर होमवर्क। डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू योर होमवर्क। नाउ टुडे इज योर होमवर्क इज रीड ग्लास। बेटा आपको ये ग्लास टॉपिक रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है, प्लस में आपको क्या करना है, राइट एनी फाइव थिंग्स व्हिच इज मेड अप ऑफ ग्लास। आपको कोई भी फाइव थिंग्स लिखनी है जो किससे बनी हुई है, ग्लास से बनी हुई है। ओके, एंड ऑल्सो सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 2 ऑन बुक पेज नंबर 60। आपको क्या करना है इस एक्सरसाइज में? सम मटेरियल्स आर हार्ड एंड सम आर सॉफ्ट, द शेप ऑफ सम मटेरियल्स कैन बी चेंज इजीली, मेक सम फन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्ले। डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो हार्ड होता है और कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो सॉफ्ट होता है। तो आपको क्या करना है? ऐसे मटेरियल लेना है जैसे कि आपको मिट्टी की कोई भी चीज़ें बनानी है। ओके, और आपको उसकी डिफरेंट शेप्स देनी है। ओके स्टूडेंट, लेट्स डू दिस एक्टिविटी ऑन बुक पेज नंबर 60। ओके स्टूडेंट्स, वी विल बी कंटिन्यू अवर नेक्स्ट क्लास टुमारो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।